जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे 9वें ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में हमने 8वें ओलंपिक 1924 पेरिस फ्रांस के बारे में चर्चा किया है। अगर उसको नहीं देखा है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न, इस खेल का आयोजन यानी कि 9वें ओलंपिक खेल का आयोजन 28 जुलाई से 12 अगस्त 1928 तक किया गया था। दूसरा पॉइंट, इस ओलंपिक खेल का आयोजन यानी कि 9वें ओलंपिक खेल का आयोजन 1928 में एमस्टर्डम हॉलैंड में किया गया था। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, 1928 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। प्रश्न नंबर चार, 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक भारतीय दल में 21 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 7 धावक तथा 14 हॉकी टीम के खिलाड़ी शामिल थे। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर पांच की, इस ओलंपिक में यानी कि 9वें ओलंपिक 1928 एमस्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर प्रतिभाग करने गई थी। अब बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्यों की। जी हाँ, इस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया, यानी कि 9वां ओलंपिक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक मेजबान देश हॉलैंड को हराकर वो भी 3-0 से पराजित करके अर्जित किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 8वें पॉइंट की, मेजर ध्यानचंद को 1928 में यानी कि 9वें ओलंपिक खेल में ही हॉकी का जादूगर के नाम से नवाजा गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में यानी भारतीय हॉकी टीम ने 9वें ओलंपिक में कुल 76 गोल किए, जिसमें 32 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किया था। बात कर लेते हैं 10वें नंबर की, ओलंपिक में पहली बार ज्वाला यानी ओलंपिक फ्लेम जलाई गई, यानी 9वें ओलंपिक खेल 1928 एमस्टर्डम में पहली बार ज्वाला यानी ओलंपिक फ्लेम जलाई गई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, पहली बार कोको कोला नामक कंपनी प्रायोजक बनी, इस ओलंपिक में पहली बार कोका कोला नामक कंपनी प्रायोजक बनी। प्रश्न नंबर 12, शीतकालीन ओलंपिक शुरू होने के कारण इस ओलंपिक को ग्रीष्म ओलंपिक कहा गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की, जी हाँ, 9वें ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न, महिलाओं के लिए पहली बार एथलेटिक्स शुरू किया गया यानी 9वें ओलंपिक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड से महिलाओं के लिए पहली बार एथलेटिक्स शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 13, ओलंपिक की अवधि 16 दिन तय की गई, किस ओलंपिक में? 9वें ओलंपिक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक की जो अवधि है वो 16 दिन की तय की गई। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की, जर्मनी ने 1912 स्टॉकहोम के ओलंपिक के बाद इस ओलंपिक में प्रतिभाग किया, जर्मनी ने 1920 तथा 1924 में प्रतिभाग नहीं किया था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की, पहले एशियाई खिलाड़ी मिकियो ओदा इस जापान ने त्रिकूद में ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पहले एशियाई खिलाड़ी कौन? मिकियो ओदा ये जापान के हैं जिन्होंने त्रिकूद में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। चलिए 16 नंबर, इस ओलंपिक से ग्रीस देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे चलेगा तथा अन्य प्रतिभागी देश अल्फा वीटा क्रम में होंगे।
ये नवे ओलंपिक की खासियत। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नवे ओलंपिक में प्रथम स्थान पर यूएसए यानी अमेरिका रहा। नवे ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में, द्वितीय स्थान प्राप्त किया जर्मनी ने, और नवा ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में तृतीय स्थान हॉलैंड ने प्राप्त किया था, जबकि उस समय आईओसी के अध्यक्ष थे काउंट हेनरी डी वैलेट लाटोर। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ओलंपिक से संबंधित। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।